कॉलेज मानंकरे छात्र संसद निर्वाचन तुरंत हेउ एबीवीपी पक्षरु सांबादिक सम्मेलनी रे सूचना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पक्षरु विभिन्न प्रसंगरे सांबादिक सम्मेलनी राउरकेलारे अनुष्ठित होइ जायछि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राउरकेला सांगठनिक जिल्लार संयोजक ज्योतिर्मय स्वाईंक अध्यक्षतारे होइथिबा एही सांबादिक सम्मेलनी रे आसंता दिन रे महाविद्यालय स्तररे हेबाकु थिबा छात्र संसद निर्वाचन निमन्ते परिषदर प्रस्तुति संपर्करे सूचना दिया जायथिला। विशेषकरी महाविद्यालय स्तर में छात्र छात्री मानंको मध्यरे गणतांत्रिक वातावरण को सुदृढ़ करने निमन्ते निर्वाचन को सुचारू रूपे कराइबा सह विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालय स्तर में परिषदर सदस्य ग्रहण करने संपर्क में वार्ता दिया जायथिला। एथिरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राउरकेला सांगठनिक जिलार कर्मकर्ता माने उपस्थित थिले। राउरकेलारु सुभाष कुमार गुप्ता को रिपोर्ट एएमओ टीवी नेटवर्क। ऋण हत्या करिवार काम करछि केवल सेतिकि नुहे एक छात्र गणतांत्रिक अधिकार जोटा कि से माने डेमोक्रेसी कौन से माने फास्ट सिखी थांती गोटे कॉलेज इलेक्शन बा कैंपस रु से माने ए सरकार सही जिनसटा को बंद करि ताकर से अधिकार ताकु मारिछि। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रो तो एटा बहुत पुराना दाबी कि छात्र संसद निर्वाचन हो यहाँ पे हम न्यायालय मध्य जाइछिलु माननीय हाईकोर्ट को पाखरे मध्य केस चालिछि रियाडी और आम आशावादी अच्छे नूतन सरकार में कि से जिनसटा को कनसीडरेसन नहीं कि भाव में इलेक्शन कंडक्ट करेंगे ये वर्ष जदि इलेक्शन कंडक्ट न कराए तो जो आम दाबी अच्छी से दाबी कि भाव में पूरण करूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजरास्तार ओल्लवा पछेबा ना सुजोग मिलता है से सुजोगटा छात्र छात्री मान मिलूना तो आमर तो यहाँ दाबी अच्छी कि भाव में छात्र संसद निर्वाचन हो और छात्र छात्री मान छात्र संसद निर्वाचन को लेकर गोटे चर्चार विषय बनी और विद्यार्थी परिषद जमी भाई कहले कि सदस्यता अभियान आरंभ कर सारी 18 तारीख रू नहीं अगस्ट 10 तारीख पर्यंत सदस्यता अभियान आरंभ हो समाप्त हो अगस्ट 10 रे और आम राउरकेला सांगठनिक जिला हिसाब से आम 12,000 सदस्यता कि भाव में पूरा करूँ से आम गोटे आम लक्ष्य नहीं कि चलुचु और एथिपाई कॉलेज रे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाखा गठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये सब कुछ नहीं कि कैंपस और महाविद्यालय अंटा भिड़ सारा। मो ना ज्योतिर्मय स्वाई मो अखिल भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राउरकेला सांगठनिक जिलार डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। आज प्रेस वार्ता थिला विद्यार्थी परिषद आगामी दिन में किभली भाव में निजर सदस्यता अभियान आगक नब ओ विद्यार्थी परिषद किभली भाव में छात्र संसद निर्वाचन पर प्रस्तुति अच्छी से विषय को लेकिन आज प्रेस वार्ता रखा जाए थिला। देखु पूर्व सरकार पाखरे आमे गुहारी दे दे आंदोलन करी करी एवं उच्च न्यायालय पाखरे मध्ये द्वारस्थ हेला बाद भी सेमाने सरकार छात्र संसद निर्वाचन करी पारलानी किंतु आमे आशावादी अच्छे नूतन सरकार पाखरे कि सेमाने निश्चित छात्र संसद निर्वाचन करिवे और छात्र मानंकर जो गणतांत्रिक अधिकार तांकु देबे कैंपस रे जो प्रकार विश्वविद्यालय होती जो छात्र निर्वाचन पे सरकार राज्य बाबद देखो कैंपस रे जो आमर शौखिक वातावरण खराब कथा अन्य छात्र संगठन माने कहउछन्ति देखो कैंपस रे से माने ही शौखिक वातावरण खराब करछन्ति आ कैंपस रे शौखिक वातावरण खराब काई होबो जदि सरकार सेही भली भाव रे समर्थ थिबो ताले से माने आईन व्यवस्था को ठीक भाव रे से माने बचाई रखिबे आ विद्यार्थी परिषद तो केबे हिंसा किंबा ए भली भाव असामाजिक कार्य तो करियनि विद्यार्थी परिषद एते वर्षर इतिहास रे आपण तो केबे पाइबेनि कि विद्यार्थी परिषद केबे शौखिक वातावरण खराब करछि बा केबे हिंसा को अपनेइछि से से आंदोलन करे स्ट्राइक करे अनशन करे ये सब कर किंतु केबे भी से हिंसा को अपनेबन 12,000 जो मेंबरशिप दायित्व आप जो लक्ष्य कथा कहले 12,000 मेंबरशिप केवल महाविद्यालय हेनी बर सब कैंपस हम खाली आपड़ भावे कि जो कॉलेज रे इलेक्शन होबार अच्छे से कॉलेज रे ही आम मेंबरशिप करूँ ता नुहे आमर मेंबरशिप अष्टम श्रेणी रू नहीं अष्टम नवम दशम द्वादश और
ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜେସ୍, ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଆଇ ଟି ଆଇ କଲେଜ ହେଇଗଲା, ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆମର ସଦସ୍ୟତା ହେବ। କାରଣ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସଂଗଠନ କରୁନା। ଆମ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ରିଫର୍ମସ ଆସିବ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୂମିକା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମାନେ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଚଲେଇବେ, ତାକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ହେଉନଥିଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା ବାଦ ବି ତ ଏବିପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟତା ଭାବରେ କାମ କରିଛି ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ କି ଆମେ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହିଁ କାମ କରୁ।